तो आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी टेक्निक सीखी होंगी, तो आज आप लोगों को कुछ इंशाल्लाह नया करके दिखाते हैं हम। आज मुझे किसी ने पूछा कि सर जी ये डिज़ाइन कैसे बनता है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं हम वो भी सीखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले किया क्या कि गूगल से ना ये वाली तस्वीर डाउनलोड की है, और पीछे जो आप लोगों को एक डिज़ाइन से पैटर्न से नज़र आ रही है वो मैंने डाउनलोड की है, ठीक है। और कैसे डाउनलोड की है आप लोगों के सामने ही है, ये वाली पैटर्न है, इसका नाम है सनलाइट इफ़ेक्ट, ठीक है। और थोड़ी मैं जिस ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ से ना मैं टूल ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ ना आसानी से समझ आ सके। ये ऐड आ गया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड, ब्रश, ठीक है, अब ब्रश आ गया। अच्छा, एक तो मैंने यहाँ से शूज़ की PNG डाउनलोड किया है गूगल से, ये वाली, इसका नाम आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा, ये वाला सनलाइट इफ़ेक्ट। और दूसरी मैंने जो PNG डाउनलोड किया हुआ है शूज़ PNG, ठीक है, ये भी आप लोगों के सामने, ये वाला सामने वाली तस्वीर मैंने डाउनलोड की, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को सबसे पहले हम पिक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम साइज़ सेट करते हैं। साइज़ सेट करने के लिए हमने क्या करना है, इमेज साइज़ ले लेते हैं, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 1080 और 1080, ठीक है। अब उसके बाद हम इस तहरीर को डिलीट करते हैं और इम्पोर्ट वाला ऑप्शन यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये वाला डिज़ाइन ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड का कलर सेट करते हैं, तो यहीं से पिक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक हो गया, कलर सेट हो गया। उसके बाद हम इंपोर्ट वाली PNG ले आते हैं, इंपोर्ट वाली PNG कह रहा हूँ, जो सनलाइट वाली PNG, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, मज़ीद बड़ा करते हैं ऐसे, और इसका कलर हम सेट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, मज़ीद इसको गहरा थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक हो गया। इतना काम आप लोगों ने कर लिया, अब मज़ीद क्या करते हैं, हम ले आते हैं शूज़, शूज़ मैंने ले आया आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये आ जाता है तो ऐसे हम इसको रख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ऐसे कुछ बड़ा कर लेते हैं, फिर भी ठीक है, ये छोटा कर लें आप लोगों की मर्ज़ी, इतना रख लें, ठीक है, इसको लॉक करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शेप में जाता हूँ, शेप में जाने के बाद ये वाली शेप लेता हूँ, पेस्टी 0 करता हूँ, स्ट्रोक 8 पे रख लेता हूँ, और इसका कलर जो है वो ले लेता हूँ वाइट। अब इतना जब आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, वो जो हमने डिज़ाइन जिसको देख के बना रहे हैं उसमें से देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हल्का सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ, और यहाँ पे इसको लॉक लगा देते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सेटिंग बाद में करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब तक हम जो बाकी छोटे मोटे काम हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और एक ये वाली इसके पीछे पट्टी है वो यहाँ पर लगा लेते हैं, उसका कलर एक ये ले लेते हैं, ये वाला, और इसको करते हैं पीछे, और
इसी के कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पे ये अब कुछ पट्टी बन गई। इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, आप लोग वही कलर यूज इस्तेमाल करना चाहें कोई मसला नहीं, इसको आप लोग वाइट रख दें, वाइट, ठीक है, फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे। और जो दरमियान वाला है उसको आप लोग थोड़ा सा और कर लें, शो कर लें, इस कलर को शो करने का तरीका सिंपल है, थोड़ा सा ऐसे कर लें, ऐसे। यहाँ से मैं कलर ऑफ करता हूँ, फिर हो जाएगी शो, ठीक है, अच्छा हो गया। अब मज़ीद हम डिज़ाइन में देखते हैं क्या चीज़ है, वो भी आपको टेक्निक सिखाता हूँ। बाकी नीचे नाम है, ऊपर है, चलो ऊपर कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यू अराइवल्स स्नीकर्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, न्यू अराइवल्स स्नेकर स्नीकर्स स्पोर्ट्स, ठीक है, ये लिख लेते हैं, न्यू अराइवल स्नीकर्स और सपोर्ट्स, ठीक है, बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, फ़ॉन्ट में जाते हैं, फ़ॉन्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छा यहाँ पे ना आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि ना इसको हम लेके ना ये जो नीचे वाले हैं ना इसको कॉपी करके ना यहाँ से कट कर लेते हैं, और इसके ऊपर मैं एक फ़ॉन्ट लगा रहा हूँ, आप लोगों ने वो नाम याद रख लें, गूगल से मैंने 2-3 दिन पहले डाउनलोड किया, पॉपिन, और यहाँ से पॉपिन वाला मैं ब्रीक वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, पतले वाला, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, इसी की कॉपी ले लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं अब स्नीकर लिख लेता हूँ, और इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी दोबारा मैं फ़ॉन्ट तो पॉपिन ही लूँगा, लेकिन अभी ना बोल्ड लूँगा, बोल्ड वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, फोल्ड। अच्छा, ये जो मैंने फ़ोन डाउनलोड किया ना, ये मैंने एक वेबसाइट है, उसका नाम है, आप लोगों को बता देता हूँ, fontmirror.com, उससे डाउनलोड किया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको नाम बता दिया, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और आखिर में ये क्या हो गया, हल्का सा छोटा करके यहाँ पर रख, ठीक है, छोटा तो अच्छा नहीं लग रहा, हल्का सा छोटा करते हैं बस, ज़्यादा नहीं। और जो ऊपर वाला फ़ॉन्ट है ना यार, उसको थोड़ा मोटा करता हूँ, पॉपिन के जो फ़ॉन्ट है ना, ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, और इसको थोड़ा और ऊपर, और इसको थोड़ा और, अब सही लग रहा है, ठीक है। इन तीनों को करता हूँ लॉक, इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ, जो डिज़ाइन हम देख देख के बना रहे थे, और कुछ चीज़ें हैं मज़ीद और हम उनको भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इन इसके कॉपीज़ की लेते हैं, और एक कॉपीज़ की लेते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और इसको भी हम कर देते हैं शूज़ के नीचे, और इसको भी कर देते हैं शूज़ के नीचे, इसको करते हैं बल्कि ऊपर, ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ पे। आप लोगों को लेयर्स का पता ही है, तो इसलिए मैं लेयर्स के बारे में आप लोगों को इस तरह कुछ होगा डिज़ाइन, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है ना उसकी तरफ, तो मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेक्टेंगल है किधर गए, ये ले लेता हूँ,
इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टूल होता है मास्क टूल, इसको लेता हूँ और थोड़ा करता हूँ बड़ा ऐसे। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा करता हूँ छोटा ऐसे, और इसको पकड़ के थोड़ा करता हूँ मज़ीद छोटा करके, और सॉरी, और इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे रखता हूँ ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से ये एक पॉइंट आप लोगों ने समझना है बस यही, और इसको यहाँ से काटता हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने सफाई से कटिंग करनी है, मास्क टूल इस्तेमाल करना नहीं आता तो उसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैंने बना के रखी हुई है, वो आप लोगों ने देख लेनी है ठीक है। और ये देख कैसे लग रहा है कि लग ऐसे रहा है कि यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ नीचे होके फिर ऊपर से जा रहा है ठीक है। थोड़ी बहुत ही कमी बेशी तो रह गई होगी लेकिन ओवरऑल सही बना है। जो थोड़ी बहुत ही मसला नज़र आ रहा है ना वो सेट कर लेते हैं, कैसे सेट करना है इसी को मैं लेता हूँ। और मास्क टूल जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको बंद करके मास्किंग को थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ, और अब करता हूँ ऐसे, और अब देख अब बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। इस तरह आप लोग चाहते तो यहाँ से भी कट कर सकते थे मास्क टूल के ज़रिए। मज़ीद अब इसमें खूबसूरती लाने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पट्टी बनाता हूँ और उसका कलर रख देता हूँ ये वाला, ऐसे करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा ऐसे रेडियस इसका कम कर देते हैं यहाँ पे, आठ पे ठीक है। इसका हम को ले लेते हैं शूज से ही उठा लेते हैं, क्या ख्याल है यही कलर, कलर है ये भी हम क्या करते हैं ये कलर ले लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल रही होंगी सीखने को, और इसका भी हम कलर रख देते हैं ये वाला। इतनी सारी चीज़ें मिक्स तो हो गई हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा एक्सपर्ट तो बन जाएंगे इंशाल्लाह। और इसका करते हैं कॉपी सपोर्ट्स वाले को, और यहाँ लिखते हैं कॉन्टेक्ट नाउ। यार इसकी जगह हम ना नंबर हमने कौन सा कोई बाय नाउ लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं कॉन्टेक्ट नाउ भी आप लोग लिख सकते थे। और इसको कर देते हैं बड़ा, अच्छा लग रहा है वैसे हाँ। और इसी के कॉपी लेके ना उसको इसी के सामने इस तरफ रख देते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं और भी ऐड करता हूँ ये देख ठीक है। काफ़ी दिनों बाद मज़े का डिज़ाइन बन रहा है, इसकी कॉपी ले लेते हैं और इस पर लिखते हैं ये
इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हमने जो ऊपर लिखा है ना न्यू अराइवल, उसकी कॉपी लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्सएप। स्पेलिंग सेट करने ज़रूरी हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसी की ही कॉपी लेके इसको करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और साइज वगैरह रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेट। तो लो जी, हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है और मज़ीद भी इसके अंदर कुछ खूबसूरती अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये खाली जगह है ना, चलिए कर ही देते हैं। इतनी चीज़ें बता दी हैं तो एक चीज़ और ही बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या करते हैं, शक्ल लेते हैं दायरा, इसी की कॉपी लेके एक और दायरा, इन दोनों को करते हैं मर्ज। इसी कॉपी लेके इनको नीचे रखते हैं और इन दोनों को भी करते हैं मर्ज। ये सारी बातें मैंने पहले हर वीडियो में बताई हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊँगा मर्ज कैसे करना है, फलां कैसे करना है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो सारी देखते हैं ना, आप लोगों को पता होगा। इनको भी करते हैं मर्ज, इनको मज़ीद छोटा करके और इसको यहाँ पे रख, मज़ीद छोटा करने ऐसे, ठीक है। अब ये जो खाली जगह थी ये और भी खूबसूरत हो गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, कोई सवाल हो कमेंट करें। शुक्रिया।